तो देखिए बच्चों, आज हम सिग्नम फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो सिग्नम फंक्शन को का पहले तो हम ग्राफ भी बनाएंगे और यहाँ पे उसकी डोमेन और रेंज को भी निकालना सीखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है या तो आपको ग्राफ के लिए बोला जाएगा या फिर बोला जाएगा कि आप इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो। तो जितने भी आपके अब ये फंक्शंस के अंदर जो ग्राफ आएंगे, दो चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। एक तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए उनका, और साथ ही साथ आपको उनकी डोमेन और रेंज का पता होना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले सिग्नम फंक्शन, जिसको आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें एक ही होंगी। इसका नाम नहीं दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में, आपको बस ये फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो और या फिर इसका ग्राफ बनाओ। या हो सकता है सिग्नम फंक्शन देते तो आपको लिखा होगा कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो आपको उसका ग्राफ और डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करने को दी जाएंगी, जबकि फिर उसमें ये क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो जरा समझेंगे कैसे हम इसकी डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट करेंगे एफ एक्स को वाई के इक्वल। तो वाई इक्वल टू ये है आपका फर्स्ट 1 0 -1, और यहाँ पे लेंगे वैन एक्स इज ग्रेटर देन 0, वैन एक्स इज इक्वल टू 0, वैन एक्स इज लेस देन 0। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एक बॉक्स प्रिपेयर कर लीजिए और यहाँ पे आपको ये है x, ये है y, और सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो -3 -2 -1 0 1 2 and 3। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आपने जो -3 से 3 तक की जो वैल्यू ली है, यहाँ पे आपको पहले जितने भी नेगेटिव फंक्शन है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो उन सब की वैल्यू है -1। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से छोटी पुट अप करोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -1। तो इसका मतलब जब आप x की जगह -3 लेंगे तो y की वैल्यू -1 होगी, और जब आप -2 लेंगे तो भी y की वैल्यू -1 होगी, और जब x की वैल्यू आप -1 लेंगे तो y की वैल्यू आपको -1 मिलेगी, और जब x की वैल्यू 0 है तो आंसर 0 है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है 1 2 3 4 5 जितनी भी हो, उन सब में y की वैल्यू जो है आपकी कितनी 1 होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे 1 1 1, इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो y की वैल्यू कितनी है, -1, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब y की वैल्यू उस सिचुएशन में है +1। तो ये हमने अब इसका ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसका जो ग्राफ होगा ये है आपका 1, तो 1 से ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास में वैल्यू 1 2 3 कितनी भी क्यों ना वैल्यू हो, सबकी वैल्यू कितनी है, +1, और जब आपकी -1 हो तो उन सबकी वैल्यू है -1 -2 -3, ये सब 2 -2। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और जब 0 है तो ये वैल्यू 0 है जो कि ओरिजिन को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ये होगा। अब मैं कहूँ डोमेन और रेंज बताएं, तो डोमेन और रेंज आप बता सकते हैं। डोमेन क्या होगा, तो x की सबसे छोटी वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन जो और भी छोटा बनाया जा सकता है, -4 -5 -6 लेंगे, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू -∞ से y की वैल्यू, क्योंकि आगे भी बढ़ाया जा सकता है, +∞ होगी। तो याद रखेंगे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी कितना, -∞ to ∞, इसका मतलब ऑल रियल नंबर। ऐसे ही फिर आपको रेंज की बात की जाए तो सबसे छोटी वैल्यू है इसमें कितना, -1, और सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें 1, तो ये इसकी रेंज होगी। तो ऐसे आप इनका डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करोगे। तो क्योंकि डोमेन का मतलब आगे भी आप बढ़ा सकते हो, पीछे भी, इधर भी बढ़ा सकते हैं, और ये फंक्शन जो हर सिचुएशन में आइडेंटिफाई होगा एक्स की, भले ही कोई भी क्यों ना वैल्यू आप पुट अप करें। तो डोमेन मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होगी, -∞ to ∞, और जिसे आप रियल नंबर भी कह सकते हैं। रेंज आपको वाई की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को देखना है। तो यही आंसर होगा इसका।